एक आखिरी पॉइंट पे जो एक आखिरी हिस्सा है ज़मीन का, वहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। लो जी, सुबह का नाश्ता आ चुका है। ये है टोस्ट है, यह टर्किश चाय। अंकल जी, मुझे लगा कि सच्ची मुच्ची वाले बैठे हैं। इस शहर में आपको पता है जो हॉस्टल्स हैं, वो हॉस्टल तो चलो क्या छोड़ो है ही नहीं, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टेइंग रूम का एक प्राइस है, वो एक रात का कितना है, वो 2-3 हज़ार रुपये से कम नहीं पड़ेगा। अरे यहाँ तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए लोग। लो जी, स्वागत है आपका आज इस नए दिन में। आज जा रहा हूँ एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट साइट पे, जो कि नॉर्थ साइप्रस में पड़ती है, वो है किरनिया। किरनिया एकदम साउथ में पड़ेगा, समुंदर के पास है, और उसमें देखने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कैसल है और हार्बर है इनका, जो पोर्ट है सी का, काफ़ी एक अच्छी टूरिस्ट साइट है। तो अगर आप यहाँ आते हो नॉर्थ साइप्रस में, तो आप किरनिया भी देख सकते हो। आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से, बस मिलेगी किरनिया जाने के लिए, मेरे ख्याल से 4 या 5 लीरा की उसकी टिकट है। अभी सबसे पहले मैं लेकिन कुछ खाने जा रहा हूँ, सुबह का नाश्ता करने जा रहा हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। तो जी, मैंने यहाँ एक टोस्ट ऑर्डर किया और साथ में टर्किश चाय। हमेशा की तरह जैसे ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ सड़कों के साइड पे इन्होंने लगा रखे हैं टेबल्स। और इसी बुकलेट की मैं बात कर रहा था, ये जो नॉर्थ साइप्रस की बुकलेट है, ये मेरे को मिली है एयरपोर्ट पर। इसमें दिन बाय दिन के हिसाब से इटनरी है, जैसे पहले दिन आप ये देखो और ये दूसरे दिन आप पेनिस वाला, 6 दिन का 7 दिन का इटनरी है, ठीक है। तो आप इसको एयरपोर्ट से ले सकते हो, इसके हिसाब से चलो। आई थिंक बहुत छोटा सा देश है नॉर्थ साइप्रस, दिल्ली से सिर्फ 3 गुना बड़ा। तो आप इसको 6-7 दिन आई थिंक बहुत हैं देखने के लिए। लो जी, सुबह का नाश्ता आ चुका है। ये है टोस्ट है, ठीक है, ये वेजिटेरियन बनवाया मैंने स्पेशली, क्योंकि इसमें मीट मूट बॉल्स डाल रहे थे, चिकन डाल रहे थे, तो मैंने इसे सब्जियां डाल रही, टोमेटो, पनीर। यहाँ पनीर को भी पनीर ही कहते हैं, मैं बता दूँ। एक और दूसरी ये है टर्किश चाय, और ये इन्होंने बताया शक्कर है। थैंक यू। पहली बार मुझे लगता है कि पिछले 3 महीने में मैं चीनी देखने लगा हूँ। भर के चीज़ डाला हुआ, पनीर डाला हुआ है, ये देखो। लो जी, कल वाली उसी जगह पर आ गया हूँ मैं, जहाँ मैं कल पूछ के गया था बस का, और यहाँ से किरनिया के लिए बस पकड़ूँगा इस लोकेशन से। बैठ गए, बस मिल गई और चल पड़ी। अभी टिकट कहाँ से लेनी है, शायद कंडक्टर तो कोई है नहीं, ड्राइवर साहब ही बैठे हैं, तो शायद इन्हीं को देनी होगी। अभी पूछूं टिकट के बारे में। मेरे साथ 2-3 बंदे और चढ़े हैं, जब वो साथ में आएंगे टिकट देने तो तभी मैं बोलूँगा। अभी तो बस चल रहा, पहुंच गया हूं मैं किरनिया में। यही बस ने छोड़ा है, यही बस स्टेशन है। और ये जो किरनिया है ना, इसको गिरने भी कहते हैं, गिरने। एक्चुअली किरनिया जो नाम है वो है ग्रीक नाम, और जो गिरने हैं वो है टर्किश, दो नाम है। जैसे निकोशिया को लेफकोसा कहते हैं ना, ऐसे ही किरनिया को गिरने कहते हैं। इस शहर में देखने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक तो किरनिया कैसल हो गई, ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ है यहाँ का जो हार्बर है, मतलब जो सी पॉइंट व्यू, जहाँ से मेडिटेरियन सी, जहाँ से शिप्स विप्स चलते हैं सारे। तो अभी मेरे को आई थिंक, एक्चुअली रास्ता मेरे को भी नहीं पता, मैंने गूगल मैप लगाया हुआ है, लेकिन तो जी ये है कैसल की तरफ जाने का रास्ता। एक्चुअली कैसल और हार्बर दोनों की तरफ जाने का रास्ता यही है। ये अंकल जी, मुझे लगा कि सच्ची मुच्ची वाले बैठे हैं। खैर, जब आप बस स्टॉप पे उतरोगे ना, तो वहाँ उतर के राइट में 5 मिनट आपको चलना है,
आपको दिख जाएगी, वहीं से कैसल दिख जाएगी आपको। मैं यहाँ से बाहर से व्यू पॉइंट भी दिखाता हूँ, दो चार मिनट चल के और आप नीचे ये पहुँच जाओगे। इस जगह सबसे पुराना पोर्ट है जो मैंने पढ़ा है पूरी दुनिया में, जो यूज़ होता था ग्रीक के टाइम पे, उससे पहले ऑटोमन एम्पायर था उनके टाइम पे भी ये यूज़ होता था। और वो लोग ऊपर चढ़ के खड़े हुए ना उधर, अगर आपको दिखेगा वो उधर दीवारों पे, वो भी बड़ा एक्साइटिंग है यार, बड़ा एडवेंचर है करने का। खैर मैं ये पक्का कह सकता हूँ मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ा हार्बर पॉइंट नहीं देखा। हार्बर होता है जहाँ आपकी जो बड़े बड़े शिप्स हैं, पोर्ट की तरह होता है, सी पोर्ट की तरह बड़े बड़े शिप्स पार्क होते हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, ये कई देशों से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे मैप में, ये इटली से जुड़ा हुआ है, ये साउथ ईस्ट यूरोप से जुड़ा हुआ है, ये टर्की से जुड़ा हुआ है, मेन तो टर्किश है इसका आगे पॉइंट, और आगे मेडिटेरियन सी है। और आपको दिखाता हूँ मैं आगे पहुँच के, एक बार इसका चक्कर वक्कर लगवाऊँ। खैर आप सब लोगों को पता होगा जो साइप्रस है ना, वो मशहूर है दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मतलब हमारे इंडिया से भी काफ़ी लोग साइप्रस में पढ़ने आते हैं, साइप्रस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं पूरी। और ये जो शहर है गिरने, जब इसमें मैं एंटर हो रहा था मैं हैरान हो गया कि छोटा सा शहर है लेकिन इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ के निशान वहाँ बने हुए थे एंटर करते वक्त। एक तो गिरने यूनिवर्सिटी, एक थी गिरने अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक गिरने फाइनल यूनिवर्सिटी, तो 2-3 यूनिवर्सिटी जैसे और थी। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी मतलब तादाद में साइप्रस में यूनिवर्सिटीज़ होंगी। रास्ते में यूनिवर्सिटी आई भी थी, बड़ी खूबसूरत थी, छोटा सा एक, चाहे एरिया कम था, लॉन एक बना हुआ था पूरा, उसमें पूरा कैंपस बनाया गया था, बाहर बसेस खड़ी थी यूनिवर्सिटी की, बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में यूनिवर्सिटी। और मैं समझ सकता हूँ क्यों लोग साइप्रस में आते होंगे पढ़ने के लिए। एक तो एनवायरनमेंट ऐसा, आइलैंड नेशन है और ईयू में पढ़ता है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की ऑब्वियसली वैल्यू भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होगी। ये जो बड़ी बड़ी सो इमारतें हैं, ये है कैसल, काइर्निया कैसल है शायद। इसमें जाने की एंट्री टिकट है 20 लीरा। अरे मैंने सोचा था कि मैं उसके ऊपर जाऊंगा, यहाँ से आगे कोई रास्ता होगा, लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो बंद हो गया सारा। तो फिर अब मैं कहाँ जाऊँ, मतलब पैदल चलते चलते उस पॉइंट पे जा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक तो ये रास्ता होगा, उस पॉइंट तक जा सकता हूँ, लेकिन इसका कुछ अलग ही मज़ा है। खैर उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मेरे को यू टर्न लेना पड़ेगा आगे से, मुझे ना वहाँ जाना है चलते हुए, उस जगह पे, उस पॉइंट पे जाके खड़े होना है। इसकी मैंने इमेज देखी हुई है गूगल मैप में, ये एक स्ट्रेट लाइन है आइलैंड के अंदर निकलती हुई, मैं पिक्चर लगाऊंगा। जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से मुझे उस रोड पे जाने के लिए ना एक लंबा सा कोस्टल लाइन पे होकर जाना पड़ेगा मेरे को। मतलब देखने में तो लगता है कि यहाँ से तो शिप से 1-2 मिनट का रास्ता है, या बोट से, लोग बैठे हुए हैं, शॉर्ट ट्रिप का रेट है, मतलब अगर आप बोट से अंदर जाना चाहते हो तो 10 यूरो का रेट लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रिप। अब शॉर्ट ट्रिप 15 मिनट का है, आधे घंटे का, ये क्लियर नहीं हो पाया। भाई खाना वाकई बड़ा सस्ता है, जो यहाँ पिज़्ज़ास हैं, यहाँ बैठ के अच्छे भले रेस्टोरेंट हैं, सिर्फ 50 लीरा का है। एक्चुअली सस्ता इसलिए लग रहा है क्योंकि आज जो टर्की का लीरा है ना वो और गिर गया है, तो 50 लीरा कितना हो गया, 200-250 रुपये हो गया, ठीक है। ऐसी लोकेशंस पे 250 रुपये में तो पिज़्ज़ा कहीं नहीं मिलता फुल साइज़, वो भी अगर यही 2 महीने पहले आते तो ये 50 लीरा था कितने का, 1000 रुपये का, तब के हिसाब से हाँ ये रेट सही है। और ये देखो, ये वो वॉक लाइन है जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो ये वाली है, यहाँ से रास्ता जा रहा है वॉकिंग लाइन का जाते हुए, ये जो ट्रेल बनी हुई है आप यहाँ से घूम के जा सकते हो, और मैं वो आखिर तक ही पहुँच जाऊँगा। मैं मतलब कैमरा कहाँ कहाँ घुमाऊँ मेरे को पता नहीं लग रहा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये है जी मेडिटेरियन सी, और इससे बढ़िया व्यू और यहाँ क्या होगा। अरे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यार, वाह, तो इस पर क्यों ना जाया जाए फिर ऊपर ही। अरे क्या बात है यार, वाकई ये ऐसे लग रहा है जैसे जहाज़ में बैठा हूँ, कहीं ऊपर से नीचे समुंदर देख रहा हूँ मैं। ये देखो बताओ इन लोगों ने, बल्कि बकायदा ये ट्रेल रास्ता वास्ता बनाया हुआ है यहाँ से ऊपर आने का। आप चलते चलते यहाँ से ऊपर आओ और यहाँ खड़े हो जाओ और आनंद लो इस सब का।
और ये साइड पे चलते चलते हुए बनाई हुई है। हार्बर होता है जहाँ आप अपनी जो शिप्स हैं, अपनी बोट्स हैं, वो एज अ पार्किंग के लिए यूज़ करते हो, लेकिन जो पोर्ट होती है वहाँ ट्रेडिंग होती है, वहाँ से आप सामान वामान अपना आना जाना ट्रेडिंग कर सकते हो, जो पोर्ट्स होते हैं जैसे सी पोर्ट्स। और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे एकदम पिन पॉइंट पे, किरनिया शहर है, गिरने, ये बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इस शहर में आपको पता है जो हॉस्टल्स हैं, वो हॉस्टल तो चलो क्या छोड़ो है ही नहीं, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टेइंग रूम का एक प्राइस है, वो एक रात का कितना है, वो 2-3 हज़ार रुपये से कम नहीं पड़ेगा पूरे गिरने में। मतलब मैं कह रहा हूँ पूरे नॉर्थ निकोशिया में पहली बात तो हॉस्टल नहीं है, आपको सिंगल इंडिपेंडेंट रूम से मिलेंगे। और ख़ासकर मैं यहाँ गिरने में भी मैं रहना चाहता था, लेकिन यहाँ के मैंने जब हॉस्टल्स के प्राइस देखे, होटल थे 2-3 हज़ार रुपये से कम का कोई रूम नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही था कि मैं लिफकोसा में रहूं, निकोशिया में रहूं, वहां जो मेरा हॉस्टल है वहां से मैं साइट सीइंग देखने के लिए मतलब एक एक दिन में एक एक बार आया करूं। मतलब जैसे निकोशिया से मेरे हॉस्टल से यहां का 20-25 मिनट का रास्ता है बस में, तो अभी मैं यहां से देखकर ये पूरा साइट सीइंग करके वापस चला जाऊंगा अपने हॉस्टल में जो निकोशिया में ही है। वहां थोड़ा सस्ता है मेरा, जो मैंने आपको रूम बताया था वो 8 यूरो के आसपास पड़ता है। अब जैसे कल भी मैं जा रहा हूं, कल मैं फामागुस्ता जाऊंगा, फामागुस्ता में भी ये हाल है, वहां 4-4 हज़ार रुपये के कमरे हैं एक दिन के। तो इसलिए थोड़ा सा रहने के मामले में ना, अगर आपको सजेस्ट करूंगा आप निकोशिया में रहना, निकोशिया से बस ले लेके आप आगे कहीं घूमने जाओ, क्योंकि नॉर्थ साइप्रस ज़्यादा बड़ा नहीं है। नॉर्थ साइप्रस कितना है, दिल्ली से सिर्फ 3 गुना बड़ा। तो यहाँ निकोशिया से अगर आप कोई भी बस पकड़ते हो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के लिए, आधा पौना घंटा लगता है बस आपको। और यहाँ जो बस यहाँ से जाएगी निकोशिया में वापस, वो लास्ट बस है 7 बजे की। अच्छा, सरकार ने ना यहाँ रास्ता बंद करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी कुछ डेढ़ अभी लोग हैं, यहाँ भी हैं, जो एकदम वो आखिर में पॉइंट तक बैठे हुए हैं। मतलब मज़ा अपना ही है कि अगर कोई यहाँ से चला जाए और आराम से उधर जाके बैठ जाए, और एक आखिरी पॉइंट है वो। लेकिन मैं भी जा सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं पहले कहने लगा था लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आई थिंक यहाँ से धीरे धीरे जाया जा सकता है। गिलो जी यहाँ तक पहुँच गए, अब तो खैर आगे पत्थर वत्थर आ चुके हैं। और क्या है यहाँ, अरे यहाँ तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए लोग, लेकिन खैर अच्छा है व्यू ये भी, अगर आप चाहो ना तो उस पॉइंट तक भी जा सकते हो, वहाँ तक भी। थोड़ी रोड तो बनी हुई है यहाँ बीच में, खैर और तो पत्थर वत्थर कोई नहीं है। लो जी पहुंच गए एक आखिरी पॉइंट पे, जो एक आखिरी हिस्सा है ज़मीन का, वहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। और ये मेरे सामने मेडिटेरियन सी है, मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली यहाँ आकर पूरा। इस तरफ ही सारा पड़ता है, टर्की, इटली, यूरोप, सारा इसी तरफ रास्ता। मुझे अब याद आया कि जब मेरा जहाज़ आया था ना, मैं ऊपर से देख रहा था, क्योंकि यहीं सामने एयरपोर्ट है 10 किलोमीटर के आसपास ही। तो हम यहाँ से जब नीचे हो गए थे ना, इस पहाड़ के दूसरी तरफ आपको एक बड़ा सा झंडा नॉर्थ साइप्रस के फ्लैग का, वो माउंटेन इस पहाड़ के ऊपर बना हुआ दिखाई देगा उस दूसरी तरफ। एक चीज़ मैं और बताऊँ, मैं अभी जस्ट मेरे को पता लगा, जब आप ऊपर से आओ ना तो लेवल प्लेन का यहाँ नीचे हो जाता है एकदम, कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता, तो ये ऊपर से ऐसे लगता है वाइट वाइट कलर के धब्बे पड़े हुए हैं समुंदर के अंदर। तो वो समझ नहीं आ रहा था कि वाइट कलर क्या हो सकता है यार, किश्तियाँ छोटी छोटी वाइट कलर की भी नहीं हो सकती ये, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं कि सामान फेंका हो जो वाइट कलर का दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वाइट कलर पता क्या था, वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। जब समुंदर की लहरें आपस में टकराती हैं तो ये वाइट कलर का जो ये बनता है ना ऊपर से, जब जहाज़ से आप देखते हो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पेंट फेंका हुआ है वाइट कलर का। तो मतलब बिल्कुल अब मुझे पता लगा कि वो वाइट कलर एक्चुअली एग्जैक्टली क्या था।
करना।